श्री राधा कांत देव की। पुनः ता मन रे भाव आसिला भाई ठंडा पानी तो मिली गला, जदि खाया पई सुमिष्ठ गरम गरम अन्न डाली टिके भोजन टिके मिली जानता ताहले खरा समय रे आनंद आसी जानता। कल्प वृक्ष तले बसी छी सुंदर थाली रे सटरस व्यंजन आसी उपस्थित हे गला, आनंद रे भोजन कला तृप्ति ही की खाइला पर टिके निद लागे। पुनः तावन रे भाव आसे टिके खटटे मिली जानता तकिया गुटे मिली जानता बढ़िया ठंडा ठंडा वायु प्रवाहित होची टिके सोई पड़ंती। कल्प वृक्ष सांगे सांग खट प्रकट हे गला तकिया प्रकट हे गला बढ़िया सुंदर निद टिके नेला। उठी खटरे बसी छी ता मन भितर भाव आसिला देखिला उपरे विराट बड़ बटवृक्ष पाखरे गोटे जंगल अछि टिके भय आसिला कि भाई जंगल रे बसी छी खाइली पीली तो संध्या हवा को आसु छी जदि बाघ गोटे आसी जानता ताल तो एठी मते खाई जीवो आ प्राण रहिवनी। कल्प वृक्ष तले बसी थिला जेमति ए चिंतन आसिला सेठी गोटे बाघ प्रकट हैला तब खाई देला। तो कहिवार अभिप्राय कल्प वृक्ष तले बसी की जहाँ चिंतन करा जाए कल्पना करा जाए कल्प वृक्ष ताहा सद्य पूर्ण कर दियंती। किंतु कल्प वृक्ष रे भी गोटे सामर्थ्य अछि कैपेसिटी अछि स्वर्गर संपदा पर्यंत कल्प वृक्ष दे दबो ताठारु ऊपर को कल्प वृक्ष भी दे पारिबो नाही। स्वर्गर जहाँ सुख दरकार माग कल्प वृक्ष दे दबो। तो चिंतामणि लोक सुखम चिंतामणि संसार रो सुख दे दबो कल्प वृक्ष स्वर्ग संपदम स्वर्गर सुख दे दबो। किंतु सनकाद ऋषिगण कहंती हे सुत गोस्वामी प्रयच्छति गुरु प्रीतो यदि गुरुदेव प्रसन्न नहीं जानती सद्गुरुदेव प्रसन्न नहीं जानती ताहले वैकुंठ दुर्लभम बड़ बड़ योगी मानुकु भी दुर्लभ साक्षात भगवान को आणी की प्रदान कर देबे। प्रयच्छति गुरु प्रीतो हो वैकुंठ योगी दुर्लभम भगवान को भी आणी की अति सहजता पूर्वक प्रदान कर देबे यदि सद्गुरुदेव प्रसन्न नहीं जानती। आ जेतेले यात्रा हुए तांको जमात साधु मानको जमात बाहरिबो रामदास बाबांकर गाय भी तांको पछे पछे जीवो से गायर दुग्ध द्वारा ही भोजन बना जीवो दिन को थरे मात्र बाउंसरे चाळो बनेकी गायर गोबर द्वारा लिपा पोछा करिकी गरीब दास भोजन बनेबे और भगवान को भोग लगेकी रामदास बाबांकु देबे। कौन से स्त्री से रसोई को देखी पारिबनी जदि कौन से स्त्री पसीगला कि देखी देला सेई दिन बाबा भोजन करिबेनी। आ जगन्नाथ मंदिर भितरे भी स्त्री रो प्रवेश निषिद्ध स्त्री जदि जाय कि रसोई घर को देखी भी देला ताले महाप्रसाद आ भगवान को लागिबो। तो थरे ब्रज 84 कोस परिक्रमा रो यात्रा बाहरला अनेक साधु संत श्री रामदास बाबा को सहित तांको जमात रे गले तो गोटे गाँव रे तांको जमात रहिला आउ गरीब दास सेमती बाउंस चाळिया बनेकी गोबर रे लिपा पोछा करिकी निज हाथ रे भोजन बनेले आउ ठीक भोजन रांधिला बेळकु गोटे बंगाली स्त्री से जमात रे जाईथिला से चाळ भितर कोण होउछि जानिया पई टिके चाळ को आड़ेकी से भितर को अनै देला। आउ ये घटना जानी गले रामदास बाबा रुष्ट ही गले प्रचंड रागी की सीधा जाइकना से चाळ भितर पसिले सेई काठो फाळिया धरी की चाळ भांगी देले चुली भांगी देले सब माठिया हांडी भांगी देले आ से काठो फाळिया धरी की गरीब दास को पिटीबा आरंभ कर देले। धूर्त दुष्ट नीच पापी कहि की अळसुआ कहि की तांकु प्रहार कर आरंभ करले। किंतु गरीब दास थरे भी कहो नांदी गुरुदेव मते काहे की प्रहार करूचंती काहे की पिटूचंती मोर कोनसी दोष नाही एई भली प्रहार कले कि सेठी से मूर्छा भी हो गले कार साहस हेलानी पाकु जाय के मना करिया पय। पुनः स्वस्थ हेले गरीब दास आउ थरे चाळो बांधिले चुली बनेले नुआ हांडी आणी के रसोई कले भगवान को भोग लगे कि नहीं कि गुरुदेव को प्रसाद देले। से दिन रामदास को भोजन दवा टिक विलंब हो गला प्राय संध्या हो गला और रात्रि समय रे
श्री रामदास बाबा गड़ी थिले टिके आउ गरीब दास तांकर चरण सेवा करू करू गोड़ घसुचंती आउ गोड़ घसला बेळकु तांकर नेत्ररु अश्रुधार बाहरुचे लुह बाहरुचे से लुह दुई तीन बुंदा जाईकिना रामदास बाबांक चरण रे पड़ीगला। रामदास बाबा देखिले कि गरीब दास कांदुचे कहले गरीब दास काहे कांदुचु वृंदावन बिहारी लाल की।